दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वीडियो के सामने आने के बाद इतना बड़ा रायता फैल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उसको समेटने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रायता फैलता ही चला जा रहा है। आपको बता दूं कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें देखने को ये मिला कि महिलाएं चप्पल लेकर उतर गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि किसको ये चप्पल दिखाया जा रहा है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, आज तक के हवाले से ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में पता ये चला कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए केदारनाथ शुक्ला जब वहां पे पहुंचे ट्राइबल वोमेन से मिलने के लिए, यानी कि जो आदिवासी महिलाएं हैं, उसके बाद आदिवासी महिलाएं जो है वो चप्पल दिखाने लगी किसको, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जिनका नाम केदारनाथ शुक्ला है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आदिवासी महिलाएं हैं वो चप्पल लेकर जो है वो केदारनाथ शुक्ला को दिखाने लगी, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि केदारनाथ शुक्ला उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वहां पे महिलाएं जो है वो चप्पल लेकर उतर गई। वहीं आपको बता दूं, जो डैमेज हुआ है इस वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश में, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहां तक हुआ ये कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अपने आवास में उस शख्स को बुलाते हैं जिस शख्स के ऊपर पेशाब किया गया था, उसको बुलाया जाता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि क्या करना पड़ रहा है। बुलाने के बाद उसका पैर धोया जाता है, उसके बाद उसको फूल का माला चढ़ाया जाता है। ये सब कुछ करने के बावजूद जो है वो इस तरीके का विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बताया ये जा रहा है कि 22% वहां पे जो सीट में कब्जा है वो आदिवासियों का है। अभी आदिवासी वोट जो है वो इतना बड़ा है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहती, और चुनाव से पहले ठीक पहले ये सब कुछ हो गया कि एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के प्रतिनिधि जो है वो उसके ऊपर पेशाब करते हुए दिखाई दिए। किसके ऊपर? एक आदिवासी के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब देखिए, इसको किसी भी हाल में बचाना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश कर रही है डैमेज कंट्रोल करने के लिए और जो रायता फैला है उसको समेटने के लिए, लेकिन रायता फैलता चला जा रहा है और डैमेज और भी बड़ा होता चला जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि परवेश शुक्ला को जब फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो उसके बाद फाट फाट देखने लायक था कि किस तरीके से परवेश शुक्ला इस तरीके से वहां पे जा रहे थे कि जैसे मानो कि कोई राजा महाराजा प्रवेश कर रहे। लेकिन उसके बाद जब डैमेज होता गया, रायता फैलता गया, तो उसके बाद करे तो क्या करे, पुलिस ने एक जबरदस्त एक्टिंग किया। जितने पुलिस की टीम थी वहां पे जबरदस्त एक्टिंग करने लगे, क्योंकि वो वीडियो किसी ने बनाया था और उसमें देखने को ये मिला कि किस तरीके से ठाट बाट के साथ तो वो जा रहे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने खुद एक वीडियो बनाया और जिसमें देखने को ये मिला कि किस तरीके से परवेश शुक्ला को घसीट कर पुलिस ले जा रही है। ये इस तरीके से डैमेज जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो मध्य प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो पुलिस हो, वो पूरी तरीके से लगी हुई है। लेकिन मामला जो है वो बिगड़ता ही चला जा रहा है। मामला ऐसा बिगड़ा कि आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को वहां की महिलाओं ने किस तरीके से चप्पल दिखाने तक का काम किया है। ये इतना मामला जो है वो आगे बढ़ गया है। तो आपकी क्या राय है मध्य प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें जो आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।